हरे कृष्णा ओम क्या मुनांदस्य ज्ञानंजन श्लाक चक्षु मिलित तस्म श्री गुरु श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापित मैं नुतले सभी अमृप कदम एम दराती सुक्रांति जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोप कुमाराय गोविंदय नमो नम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते तप्ता कंचना गोरंगी राधे वृंदावनीश्वरी सुते सुत प्रणमा हरिप्रिया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनिंदी श्री अद्वैतराधा श्रीवा सतिवंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णव भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अठारव अध्याय के अट्ठावन श्लोक इस सागर से इस बद जीवन से पार होने के लिए क्या रास्ते बताए वो समझना चाहिए भगवान श्री कृष्ण यह हम सब को एक अपनी में, अपने शब्दों में अपने विचार से अपने हृदय की बात करते हुए ये समझा रहे हैं कि हम इस भाव सागर से पार कैसे हो सकते कृष्ण कह रहे हैं मत चित्त सर्व दुर्गा मत प्रसाद आदि मेरी कृपा से मेरी कृपा से तुम बद जीवन की सारी मुश्किलों को पार कर जाओगे मेरी कृपा से तुम अपने साधनों से नहीं हम अपने जितने भी साधनों का जोर लगा ले सागर से पार होना संभव नहीं है एक महासागर हो और उस महासागर में बहुत भयंकर तूफान आया हो और उस भयंकर तूफान में कागज की कश्ती में कोई पार हो सकता है संभव नहीं ऐसे हमारे सारे साधन तो कागज की कश्ती जैसे हम बहुसागर को कैसे पार कर पाएंगे ना ही हमसे सही तपस्या हो पा रही है ना ही हम सही साधना कर पा रहे हैं ना ही कोई और सिद्धि रिद्धि कुछ भी नहीं ना सही तरह का सदाचार तो फिर भवसागर से पार आखिर हो कैसे जग जंजाल में फंसे हुए जीव इनका उद्धार कैसे है कृष्ण यहां कह रहे हैं मत प्रसाद आद दृश्य से मेरी कृपा से तुम भवसागर के सारे अवरुद्धों को सारी मुश्किलात को सारी रुकावटों को पार हो जाओगे लेकिन उसके लिए एक शर्त औरो शर्त क्या ध्यान से समझिए मच्चित सर्व दुर्गा तुम्हें तो मेरी भावना से भावित होना पड़ेगा अर्थात हम सबों को कृष्ण भावना में जाना पड़ेगा कृष्ण भावना से भावित होना पड़ेगा शर्त रखिए मच्चित सर्व दुर्गा मत प्रसाद आदश्यसी अतचेत तो अहंकारात् न विरंचसी और आगे जाके एक चेतावनी भी दे दी है आगे चलकर एक चेतावनी भी दे दी है और वो चेतावनी क्या है अगर तुमने मेरा ना सुना अहंकार के वश, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा विनाशीस श्रोष्यसी विनसी अहंकारात और अहंकार मेरी माता बहनों मित्रों कृष्ण हजार पापों को करोड़ों पापों को और पापियों को तार देते हैं, लेकिन अहंकारियों को वो पसंद नहीं करते अहंकारियों को पसंद नहीं करते मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णव अहंकारियों को कृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं करते अहंकारियों के लिए कृष्ण ने साफ कहा तुम्हारा विनाश हो जाएगा महाप्रभु कृपा सिंधु करुणा अवतार के थे त्रणादपना नमान देना कीर्तन्या सदा हरी तो ये तीन लक्षण सब भक्तों में होने चाहिए तो हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे स्वयं को वीनम्रस्त जानना स्वयं को वीनम्र मैं बहुत भजन करता हूं मैं बड़ा साधु हूं मैं बड़ी तपस्या करता हूं मैं बड़ा दान देता हूं मैं बड़ी सेवा करता हूँ मैं ये करता हूं मैं वे करता हूं मैं वैसा करता हूं यहां तक कि मैं धाम वास करता हूं अहंकार मेरी माता में ना स्वयं को ऊंचा समझा समझना और ना दूसरों को तुच्छ समझना प्लीज एक वैष्णव ना स्वयं को ऊंचा समझना ना दूसरों को समझना। मेरी माता-बहनों मित्रों वैष्णव हमारी औकाती क्या है क्या हम अहंकार करें मैं अभी किसी से भी बात थोड़ी देर कर रहा था क्या हमें मसलते हुए देर नहीं लगेगी परमात्मा को यूं एक चू, चूटी, चूटी, चूटी की तरह मसल दिए जाएंगे हमारी औकात ही क्या है बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले बड़े बड़े अहंकारियों का यहां विनाश हो गया तो मेरी माता बहनों मित्रों रावण के बीस हाथ दस सर सोने की लंबी लेकिन बीस हाथ वाले रावण का अहंकार नहीं चला दस सिर वाले रावण का अहंकार नहीं चला सोने की लंका में रहने वाले रावण का अहंकार नहीं चला तो हम रावण के बीस हाथ थे हमारे सिर्फ दो हाथ हैं, तो बीस हाथ वाले रावण का अहंकार नहीं चला तो दो हाथ वाले मनुष्य का क्या चलेगा उसके दस सिर थे और हमारे एक नहीं एक भी नहीं है हमारा तो आधा सिर है आधा हमारा घर वाले खा चुके हैं हम तो आधा सिर वाले लोग आधा सिर तो हमारे परिवार वाले खा चुके हैं हमारा समाज वाले खा चुके हैं रावण सोने की लंका में रहता था हम तो पत्थरों के घरों में रहते सीमेंट ईंट सलिए के घर में रहते हैं उसका अहंकार क्या चलता इसलिए कृष्ण के वचनों को समझ के महाप्रभु के इन शब्दों को समझिए और विनम्र होकर अहंकार रहित होकर जप ये सदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सारी भौतिक बाधाओं को कृष्ण की कृपा दूर कर देगी और हम अपने जीवन को वास्तविक में धन्य करके अपने जीवन का वास्तविक लाभ ले सकें मेरा ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र आप सबों को सुरक्षित रखे सुखी रखे खूब भजन दे और खूब विनम्रता का दान दे आपको विनम्रता का दान दे आपको विनम्रता का दान दे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री